Hindi班？Hindi Hello, students. Very good evening to all of you. I, Anupama, welcome you all at the Sabal classes. एंड आई होप यू ऑल आर डूंग ग्रेट तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर ट्वेंटी नाइन हमारे इंग्लिश मास्टर द राइटर्स पी बी शैले एंड लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन बायरन बच्चे मैंने कल ही देखो आप लोगों को बताया था कि क्लासेस लेट रहेंगी है ना मैंने आपको कल ही इन्फॉर्म कर दिया था कि क्लास लेट रहेगी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड इवनिंग सो चलिए बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन सीरीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए मैं बिल्कुल ठीक हूं बच्चे आई एम परफेक्टली फाइन हां जी तो मैंने आप लोगों को कल ही इन्फॉर्म करा था दोनों ही क्लासेस के लिए कि बल्कि तो ये भी कहा था कि शायद ज्यादा भी लेट हो सकती हैं है ना चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के क्वेश्चन सीरीज सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हेन वाज पी बी शेले बॉर्न पी बी शेले का बर्थ कब हुआ था थर्टी जनवरी सेवनटीन

बीता ही है अभी है ना एक ही महीना हुआ है हम कह सकते हैं कि उनका बर्थडे बीते हुए फोर्थ अगस्त 1792 क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट निकनेम डिड शेलीज फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ एंगर अर्न हिम हां जी शेली को गुस्सा बहुत आता था तो इसकी वजह से उनके जो कंटेंपरेरीज थे उनको क्या कहते थे mad shelly bonkers bys nutso या perceive the perilous हाँ जी उनके गुस्से की वजह से शैली को ज्यादातर लोग क्या कहते थे यस मैड शैली मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग ठीक है तो मैड शैली उनको कहा जाता था क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ दीज राइटर्स इज नॉट अटैक्ड बाय बायरन इन इंग्लिश कुछ राइटर्स को Uh, इस वर्क में बायरन ने क्रिटिसाइज करा था कुछ को उसने प्रेज करा था तो किस को यहाँ पे उसने अटैक नहीं किया था विलियम वर्जवर्थ जॉन कीट्स कोलरेज या फ्रांसिस जेफरी जी बिल्कुल सही जवाब जॉन कीट्स को उन्होंने बख्श दिया था जॉन कीट्स को उन्होंने कंडेम क्रिटिसाइज नहीं किया था क्वेश्चन नंबर फोर बाइरोनिकरो रेफर्स टू बायरन के जो हीरोन जुआन में है चाहे वो चाइल्ड हेरल पिलग्रीमेज में जो स्कोर है नाइट है तो किस तरह का हीरो जाता है बायरन के हीरो सोलिट्री मैन एंड आउटकास्ट या ऑल ऑफ दीज सो यस द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज ब्रूडिंग का मतलब है थॉटफुल ठीक है जो अपनी सोच में गुम हुआ रहता है ब्रूडिंग का मतलब है थॉटफुल जो अपनी सोच में गुम हुआ रहता है सोलिट्री जो अलोन जो लोनली रहना पसंद करता है एन आउटकास्ट ज्यादातर लोअर कास्ट का ठीक है आउटकास्ट मतलब ज्यादातर लोअर कास्ट का वेरी गुड इवनिंग बच्चे वेरी गुड इवनिंग चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव शेली रोट ओजी इन विद हिज फ्रेंड। तो ये शेली की लिखी एक सोनेट है जो कि एक किंग के बारे में है थोड़ी सी टायर्ड बच्चे। आई वॉज ट्रेवलिंग ठीक है बाहर गई हुई थी तो इस वजह से शायद शेली रोट ओजी मैंद इन कॉम्पिटिशन विद हिज फ्रेंड वॉल्टर स्कॉट मिल्टन होरेस स्मिथ या जॉर्ज कीट्स So, बिल्कुल सही जवाब हम लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है ही रोट दिस पोयम इन कॉम्पिटिशन विद हिज फ्रेंड होरेस स्मिथ ठीक है जिसमें मैं आपको किंग का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चंस में डाला हुआ है एक किंग के स्टैचू के बारे में ये पोयम लिखी थी शैली ने जिसमें उन्होंने ये थीम हम तक पहुंचाने की रीडर्स तक पहुंचाने की कोशिश करी थी कि जब तक आप जिंदा हो लोग आपको जानते हैं लोग आपका नाम गुणगान करते हैं जब आप मर जाते हो ठीक है शुरू शुरू में आपके लिए लोग कुछ पोयम्स लिखेंगे या आपका स्टैचू बनाएंगे बट बाद में वो स्टैचू टूट फूट रहा होता है कोई उसकी मतलब जो है देखता तक नहीं है This poem was a parody of work written by the poet laureate Saudi, who had once accused Byron of being a member of the Satanic School of Poetry. Hanji, this poem hai bo Saudi ke work ki parody hai. Hanji Saudi ke work ki parody hai Jisney Byron ko accused tha that he belongs to the Satanic school of poetry. It is विजन ऑफ जजमेंट द प्रिजनर ऑफ शिलॉन डॉन जुआन या चाइल्ड है विजन और सऊदी का था अजन ठीक है बस इतना सा फर्क है सऊदी का था अजन ऑफ जजमेंट और यहां पर शैली का है द विजन ऑफ जजमेंट जी क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ मेनी कैंटोज आर देयर इन द रिवोल्ट ऑफ़ इस्लाम, शैली के द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में जिसका एक टाइटल सिथना सिथना एंड एंड क्या था लियोन है ना जिसका एक टाइटल लियोन एंड सिथना भी है तो कितने कैंटोज कितने चैप्टर्स कितने पार्ट्स आ जाते हैं इस पोयम में टोटल yes, ट्वेल्व बच्चे बस छे बजे छ बजे ऐप में क्लास छ बजे होगी हांजी द रेवल्यूशन ऑफ गोल्डन सिटी ऑल्सो ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर एट फ्रॉम विथ सोर्स डिज शैली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमीथियस अनबाउंड प्रोमीथियस अनबाउंड का सोर्स जो है शेली ने उसके लिए इंस्पिरेशन किससे ली थी एस्काइलस से यूरिपिडीस सेनेका से या सफोकलीस से द प्रोमिथियस अनबाउंड उसकी इंस्पिरेशन सोर्स यस एस्काइलस का प्ले था प्रोमीथियस बाउंड ठीक है एस्काइलस का प्ले था प्रोमीथियस बाउंड जी ही वॉज अ ग्रीक पोएट

प्रिजनर ऑफ शिलोन एप्सोल्यूटली करेक्ट द प्रिजनर ऑफ शिलोन राइट ठीक है जी तो ये मतलब इसमें जो प्रिजनर का नाम है इट इज फ्रांसिस डी दोनिवार चलिए क्वेश्चन नंबर टेन वट वॉज बायरन फर्स्ट पब्लिश्ड बुक ऑफ पोएट्री बायरन का फर्स्ट जो पब्लिक पब्लिश्ड वर्क था वो कौन सा था प्रिजनर ऑफ शिलॉन फ्यूजटिव पीसेस या चाइल्ड yes, है कल भी बात करी थी दैट ही वॉज जस्ट सेवनटीन ईयर्स ओल्ड ठीक है दैट ही वॉज जस्ट सेवनटीन ईयर्स ओल्ड जब उनका ये वर्क पब्लिश हुआ राइट क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ दीज इज बायर अनफिनिश्ड वर्क इनमें से कौन सा बायरन का अनफिनिश्ड वर्क है केन डॉन जुआन प्रोमिथियस या चाइल्ड हैरल्ड पिलग्रीमेज इनमें से कौन सा बायरन का अनफिनिश्ड या इनकम्प्लीट वर्क माना जाता है यस इट इज डॉन जुआन वेरी गुड इट इज डॉन जुआन

मेरी शेले, पी बी शेले ली हंट या जॉन कीट्स किसने लिखा था प्रीफेस द मास्क ऑफ एनार्की का यस yes. जल्दी से आंसर आने चाहिए मेरे पास जेफी नीरज आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चे इसका प्रीफेस लिखा था ली हंट ने यस जा इज आल्सो राइट धीरजा आपने सही कर लिया आंसर जब देव रमत करेक्ट ली हंट ने लिखा था नो no डाउट बहुत सारे वर्क्स में शैली को मेरी शैले ने उनकी वाइफ ने कॉपरेट करा था बट यहाँ पे ली हंट ने लिखा था प्रीफेस क्वेश्चन नंबर थर्टीन जास्त्रोजी इज अ डैश रिटन बाय पी बी शैले जास्त्रोजी का वेरी गुड पवन वेरी गुड बच्चे हां जी जास्त्रोजी इज़ डैश पी.बी. जाए पी बी शैले नोवेल पिकारोवलरी नॉवल या सेंटीमेंटल जास्त्रोजी का यानर बताना है आपको जी इट वॉज अ गॉथिक नॉवल गोथिक नॉवल मीन्स हॉरर नॉवल ठीक है गॉथिक नॉवल मीन्स हॉरर नॉवल चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हमारे लिए आ गया प्रेज के बारे में किन दो राइटर्स को प्रेज किया था बायरन ने इंग्लिश बर्ड्स एंड स्कॉटिश रिव्यूअर्स ने मिल्टन जॉन ड्राइडन एलेक्सेंडर पोप या शेक्सपियर किसको प्रेज किया था क्रिटिसाइज आप पढ़ चुके वर्डवर्थ कोलरेज और फ्रांसिस जेफरी जो एक मैगजीन के एडिटर थे यस, इट इज पोप एंड ड्राइडन वेरी गुड सो आंसर इज़ बोथ सी एंड डी सी एंड बी ठीक है इट इज बोथ बी एंड सी ड्राइडन एंड पोप बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच वर्क ऑफ लॉर्ड बायरन वॉज इन्फ्लुंस्ड बाय गोथेस्ट जी लॉर्ड बायरन का कौन सा वर्क गोथे के फॉर्ट से इंस्पायर्ड था बेपो मैनफ्रेड केन या पेरिसिनिया पेरिसनिया जी आप ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं मैन विच वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम गोथेज फॉस्ट तो आप लोगों को श्योरिटी है ही इसके बारे में यस इट वॉज मैन फ्रेड बिल्कुल सही इट वॉज मैन फ्रेड क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन विच ऑफ बायर प्लेज एडम एंड ईव आर लीडिंग कैरेक्टर्स एडम एंड ईव बायरन के कौन से प्ले के लीडिंग कैरेक्टर्स हैं केन हेवन एंड अर्थ वर्नर या द डी फॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड अगेन इसका आंसर भी आई नो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ

पोइट्री बोथ प्लीजेस एंड सैटराइजेस है पोइट्री के बारे में डिफेंस ऑफ पोइट्री में क्या कहा था पोइट्री क्या करती हैुड की पोइट्री प्लीज मीन्स एंटरटेन भी करती है पोइट्री एंटरटेन भी करती है और गाइड भी करती है ठीक है भी भी करती है और entertain भी करती है Very good. Very good. है है और जिन्होंने सही जवाब दिया क्वेश्चन नंबर एटीन टू होम डज बायरन डेडिकेट डॉन जुआन बायरन ने हां जी बायरन ने डॉन जुआन किसको डेडिकेट किया था डॉक्टर जॉनसन रॉबर्ट साउदी वॉल्टर स्कॉट या ड्राइडन बायरन ने डॉन जुआन किसको डेडिकेट किया था इट वॉज डेडिकेटेड टू टे टू रॉबर्ट साउदी जी इट इज वॉज डेडिकेटेड टू बेसिकली बेसिकली रॉबर्ट सऊदी ठीक है ही डेडिकेट किया है ओके okay जी हाँ कहीं कहीं पे वर्डवर्थ का नाम भी आ जाता है लेकिन अगर आपको ऑप्शन में अकेला सऊदी हो तो सऊदी भी करेक्ट है ठीक है आगे चलते हैं टू होम डायरन डेडिकेट हिस्स प्ले एंड टाइटल्ड केन जी बायरन ने अपना ये प्ले केन uh, किसको डेडिकेट किया था एस टी कोलरिज विलियम वर्जवर्थ रॉबर्ट साउदी या सर वॉल्टर स्कॉट बायरन ने अपना ये प्ले केन किसे डेडिकेट किया था स्कॉट yes, और आप पहले कर चुके इंस्पायर्ड फ्रॉम मिल्टन ठीक है लिया ना केन ठीक है एडम और ईव का बेटा था ठीक है पर अगर आपको इंस्पायर कहा जाए तो इंस्पायर आएगा मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से और राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक प्लेज इज रिटन बाय बायरन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनफ्रेड द फॉल ऑफ या ऑथो द ग्रेट तो ये तो आप अभी कर ही चुके हैं हां जी विच ऑफ दिस प्लेज इज रिटन बाय बायरन पोइटिक प्ले यस है ना तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है इट इज मैनफ्रेड यस इट इज मैनफ्रेड आगे बढ़ते हैं वट इज द विजन ऑफ जजमेंट बायरन के द विजन ऑफ जजमेंट का आपको यहां पर बताना है इज इट अ टेल अ पोइट्रिक प्ले अ ड्रामा और अ अटायर हां जी वट इज द यानर ऑफ द विजन ऑफ जजमेंट Yes, it is, अगर आपको बेसिकली हो ना देखो प्ले नहीं है बच्चे प्ले नहीं है इट इज अरे नहीं नहीं आई एम फाइन इट इज अटायरिकल पोयम ठीक है सिटरिकल पोयम है ये ठीक है अगर आपको पूरा लिखा हुआ आ जाए सो दिस विल बी दी राइट आंसर ठीक है दिस विल बी दाइट आंसर पोइटिक प्ले नहीं है ये सिटरिकल पोयम है ये ठीक है रिटन इन ओटावा हां जी छ बजे लगेगी उससे पहले अपना काम वाम निपटा लो जो करना है ठीक है जो इट वॉज रिटन इन ओटावा राइमा जो आठ लाइनों का पैराग्राफ होता है ठीक है आठ लाइनों का पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन वट फॉर्म डिड बायरन राइट चाइल्ड हैरल्स पिलग्रिमेज हाँ जी अरे वाह धीर जा आपका क्वेश्चन आ गया बायरन ने चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज किस फॉर्म में लिखी थी ओटावर राइमा स्पेंसेरियन स्टैंडा सोनेट या राइम रॉयल सो इट इज क्लियर टू अस स्पेंसेरियन स्टैंडा जो कि ओके दैट्स ग्रेट सिमरन आप डिस्कस कर चुके हैं नाइन लाइंस का स्टैंडा होता है ठीक है नाइन लाइंस का स्टैंजा होता है है ना आगे बढ़ते हैं इन विच ईयर बायरन वॉज बॉर्न जी बायरन का बर्थ किस ईयर में हुआ था 1785, 1786, 1787 या 1788. बायरन का बर्थ किस ईयर में हुआ था यस इट वॉज

द परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसको कहा जाता था ब्लेक ब्लेकोरेज शैली या बायरन हां जी परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसको कहा जाता था ब्लेक ब्लेकोरेज शैली या बायरन आपके आंसर्स बता रहे हैं दिस इज न्यू फॉर यू शीनू इज राइट नवरीत सिमर, रविंदर, जेफी, निशा, यस, इट इज़ शेली, वेरी गुड, डिम्पल एंड धीरजा यस, इट इज़ पी.बी. शेली, वेरी राइट, पी.बी. शेली। क्वेश्चन नंबर टwenty five, Ozymandias इज़ द ग्रीक नेम फॉर विच इजिप्शियन फराओ तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक किंग की कहानी और आप लोगों ने मुझे ये याद करवा दिया कि वो इजिप्ट का किंग था तो वो कौन सा किंग था एम है? इजिप्ट में किंग को फराव कहा जाता था ठीक है इजिप्ट में किंग को फराव कहा जाता था जी तो रामसेस टू के ब्रोकन स्टैचू के बारे में है ठीक है ब्रोकन एंड रूइंड स्टैचू ठीक है तो ये पोएम जो है ब्रोकन और रूइंड है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स शेलीज एडोनेस इज डिवाइडेड इन टू शेली की जो ये पोयम है एडोनेस कितने पार्ट्स में कितने स्टैंडर्ड में डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ फिफ्टी फाइव स्टैंडर्स फोर parts it consists of 56 stanzas five parts it consists of 54 stanzas. Yes, very good. Three parts and 55 stanzas iske इसके बाद और आगे बात मत करना इस पोइंट के बारे में देअर विल बी क्वेश्चन कमें इससे ज्यादा कुछ और बात मत करना इस पोइंट के बारे में क्वेश्चन आएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं Which of these poem by wasn't in 1820 इन में से कौन सी पोएम शैली की क्लाउड जैसे कीट्स की जो ओड्स थी है ना कीट्स की जो ओड्स थी वो सभी एक ही ईयर में पब्लिश हुई थी 1819 में पब्लिश हुई थी तो वैसे ही शैली की एक पोएम इसमें से 1820 में पब्लिश नहीं हुई थी ओड टू स्काई लॉक ओड टू द वेस्ट विंड ओड टू वर्ड वर्थ या द क्लाउड यस कौन सी पोयम विच वन ऑफ दीज इज वन आउट सो इट इज टू वर्ड्स वर्थ इट इज टू वर्ड वर्थ ठीक है बाकी की 1820 में पब्लिश हुई थी बाकी की 1820 में ही पब्लिश हुई थी बच्चे लिखी थी 1819 में पब्लिश हुई थी 1820 में आप लोग दोबारा से चेक करिएगा लिखी थी 1819 में पब्लिश हुई थी 1820 में चलिए क्वेश्चन नंबर 28। How हाउ P.B. Shelley die? P.B. Shelley पीबी की डेथ कैसे हुई थी ड्यू टू टूबिक ड्यू टू पॉइजन बाई ड्राउनिंग ड्यू टू overdosage of drugs pb shale ki death kaise hui thi yes he drowned bilkul sahi by drowning doobne ki wajah death hui thi. question number 29 dash means to mock or make fun of a subject through imitation irony or sarcasm resulting in comedy it is parody burlesque या फार्स किसी का मजाक उड़ाना इमिटेशन से ठीक है नकल करके आयरनी की मदद से सार्काजन की मदद से जहां से कॉमेडी पैदा होती है सो वॉट इज दाइट आंसर इट इज पेरेडी पे पेटायर हो ठीक है मेक फन ऑफ और साथ में हो और सेटराइज, ठीक है जहां पे साथ में सटराइज़ भी किया जाए ठीक है सिर्फ इमिटेशन आयरनी नहीं सटराइज़ भी किया जाए ठीक है बर्लेस्क जो है वो पेरडी का ही सब यानर है ठीक है बर्लेस्क जो है वो पेरडी का ही सब यानर है ऑलराइट पर इसमें डेफिनेशन में हम एक बात ध्यान रखेंगे कि हमें ये आ जाए डैश मीन्स टू मॉक और मेक फन ऑफ और सेटराइज ये वर्ड जरूर आना चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी डैश इज अ पिक्चर और डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी दैट मेक्स हिज और हर अपियरेंस और बिहेवियर फनियर एंड मोर एक्सट्रीम देन इट रियली इज इट्स कार्टून चर अ पिक्चर और डिस्क्रिप्शन इज यस की राइट इट इज कैरिकेचर, ठीक है कैरिकेचर, आप कई बार न्यूज में देखते हैं ना यस yes, जैसे चाचा चौधरी का कह लो न्यूज में देखते हैं किसी किसी न्यूज चैनल पे किसी पॉलिटिशियन का कार्टून सब बना के खड़ा किया होता है तो उसको उनका नाम आई आई एम फॉरगेटिंग आर के लक्ष्मण के ब्रदर थे ठीक है वो भी कैरिकेचरिस्ट थे ठीक है वो भी कैरिकेचरिस्ट थे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एन एक्सपीरियंस ऑफ इमोशनल रिलीज एंड प्योरिफिकेशन ऑफन इंस्पायर बाई और थ्रू आर्ट ओ यस आर के नारायण के ब्रदर आर के लक्ष्मण मैं उल्टा कह रही थी है ना आर के नारायण के ब्रदर आर के लक्ष्मण यस yes, यस yes. हां जी एन एक्सपीरियंस ऑफ इमोशनल रिलीज एंड प्योरिफिकेशन पेरिपेशिया एन एग्नोरसिस या हमर्शिया एन एक्सपीरियंस ऑफ इमोशनल रिलीज यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट इट इज कथार्सिस ठीक है जहां पे ये वर्ड आ जाए प्योरिफिकेशन परगेशन ठीक है जहां पे ये वर्ड आ जाए ना Purification or purgation of the emotions of pity and fear? Hai, jahan pe ye aajai. Purgation of the emotions of pity and fear. Then it is catharsis. Right? Question number thirty two Who wrote a famous pastoral elegy on the death of Keats? kisne कीट्स की डेथ पे एक फेमस पेस्टोरल एलिजी लिखी थी वर्ड्सवर्थ वॉलटेर स्कॉट शेली या कोलरिज हु रोट अ फेमस पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स यस इट वाज पीबी शेली वेरी राइट पीबी शेली क्वेश्चन नंबर 33 हु रोट द पोयम द ट्रायम्स ऑफ लाइफ द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ के राइटर कौन है शेली कीट्स Tennyson or Byron. Who wrote the poem The Triumph of Life? Yes, it is none other than P. B. Shelley. Bilkul sahi? P. B. Shelley. Question number 34. One of the following poetic plays is. Okay, this is repeated. How many spirits act as characters in Byron's Manfred? Hanji. मैनफ्रेड में बायरन के ड्रामा मैनफ्रेड में टोटल कितनी स्पिरिट्स एज कैरेक्टर्स शो करी गई हैं फाइव सिक्स सेवन या एट बायरन के मैनफ्रेड में हाउ मेनी स्पिरिट्स आर देयर सो देअर आर टोटल येस वेरी गुड देयर आर टोटल सेवन स्पिरिट्स एबसोल्यूटली करेक्ट देयर आर टोटल सेवन स्पिरिट्स वेरी राइट ठीक है जी क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच पोयम डिड पी बी शैले राइट वेन यू हर्ड अबाउट पीटर लू मेसेकर पीटर लू मैसेकर के बारे में पी बी शेले ने कौन सी पोएम लिखी थी ओ टू दिन द मास्क ऑफ जोरो लव एंड पेरिल इन मेकॉन्ग the mask of anarchy yes it is the mask of anarchy bilkul sahi the mask of anarchy question number 37 dash is a situation or statement that is unclear because it can be understood in more than one way ambiguity metonymy hyponymy or none of these एक सिचुएशन या स्टेटमेंट जिसको हम एक से ज्यादा तरीकों में समझ सकते हैं यस इट इज एम्बिग्विटी ठीक है जब किसी एक बात के दो या दो से ज्यादा मतलब निकले ठीक है एक ही चीज के दो से ज्यादा मतलब निकले जैसे मी दैट पॉर्सिल जार, ठीक है हां जी विलियम एम्सन ने दी थी ये टर्म वेरी गुड नवरीत तो देखो ये सेंटेंस पढ़ के पोर्सलिन होता है जैसे कांच का चीनी मिट्टी का ठीक है तो यहां पे सोचने वाली बात है कि वो क्या कह रहा है, पौर्स, के है या जार पोर्सलिन का है ठीक है कि मुझे पोर्सलिन एग जार पकड़ा दो तो नाउ इट इज क्रिएटिंग एन एम्बिग्विटी कंफ्यूजन की पॉर्सिलेश बट इनसाइटफुल स्टेटमेंट ऑफ एन इन वर्ड फॉर्म विच कम्युनिकेट अ थॉट इनटी पेराडोक्सिकल और फनी वे छोटी स्टेटमेंट होती है लेकिन बहुत ही गहरी Insightful, बहुत ही गहरी बात होती है उसमें लाइटो आयरनी एपिग्राम या ऑक्सीमरॉन कुछ कम शब्दों में जैसे कहते हैं ना गागर में सागर हिंदी में कहते हैं गागर में सागर भरना बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना यस इट इज एपीग्राम बिल्कुल सही इट इज एपीग्राम क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन डैश इज एन ऑप्शनल फाइनल चैप्टर ऑफ अ स्टोरी सच एज इन अ प्ले और बुक एंड मे सर्व अ वैरायटी ऑफ पर्पजेज प्रोलोग या एक्सपोजिशन एन ऑप्शनल फाइनल चैप्टर ऑफ अ स्टोरी सच एज इन अ प्ले और अ अ बुक मे सर्व वरायटी ऑफ पर्पजेज यस एपीलोग और ये आ जाता है इंट्रोडक्टरी चैप्टर ठीक है एपीलोग आ जाता है फाइनल चैप्टर और प्रोलोग आ जाता है इंट्रोडक्टरी चैप्टर राइट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे डैश इज अ शॉर्ट स्टेटमेंट अबाउट अ डिजीज पर्सन ऑफ एन कार्व ऑन टूमस्टोन एपिग्राम एनाफोरा अल्यूजन या एपीटाव हां जी डैश इज शॉर्ट स्टेटमेंट अबाउट डिजीज पर्सन ऑफन काफ अब मंडे के लिए आप प्रिपेयर करेंगे हमारे पोएट्स सारे हो गए नहीं जॉन कीट्स बाकी है मंडे के लिए आप प्रिपेयर करेंगे जॉन कीट्स मैरी वोल्डस्टोन क्राफ्ट ठीक है मेरी वोल्डस्टोन क्राफ्ट एंड मैरी शेले ठीक है मंडे के लिए ये आपके तीन राइटर्स रहेंगे जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं ठीक है कीट्स इनमें से थोड़े लॉन्ग राइटर हो जाते हैं बाकी मैरी वोल्डस्टोन क्राफ्ट और मेरी शेले दे आर लाइक माइनर माइनर राइटर्स राइट चलिए फिर मिलेंगे अब आप मंडे को वही हमारे सेम टाइम पे ठीक है तो पढ़ते रहिए तैयारी अपनी करते रहिए हांजी जसवीर पूछो बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए जसवीर पूछो बच्चे आईपीए स्टैब्लिश इन 1889 उसकी डेवलपमेंट की तैयारियां शुरू हो गई थी 1886 में ठीक है तैयारियां शुरू हो गई थी 1886 में लेकिन पूरी तरह से डेवलप हुआ था 1889 में और अभी भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं दो चार पांच सालों बाद चेंजेस होते रहते हैं ठीक है जी थी? चलिए फिर मिलेंगे अब आप मंडे को वही हमारे टाइम पे ठीक है जी सो थैंक यू सो मच एवरीवन हैव अ वेरी गुड डे एंजॉय योर संडे यूटिलाइज योर संडे इन स्टडिंग थैंक यू एंड आई विल सी यू अगेन